हेलो गाइस, मेरा नाम है अभी आप देख रहे हैं अभिजीत गेमिंग। गाइस इस वीडियो हम लोग जो बात करने वाले फीफेयर में आ गया और एक नया इवेंट जहाँ पर रैक रॉयल में एक नया इवेंट आया जो बंडल मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो इस बंडल को हम लोग निकालने वाले हैं। तो कितना डायमंड पे निकलता है वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं रैक रॉयल में। जाने से पहले एक बात बता देता हूँ, जो जो भाई लोग मेरे चैनल पर नहीं है कमेंट से कोई नहीं देखो आज पहल भर देख लो, सिंपल अच्छी लगी तो पहले बढ़ते वीडियो को लाइक करो, लाइक में नीचे तो लाल का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के पास तो बेल आइकन उसको दबा के ऑलरेडी शोर कर देना, क्यों ना भाई इस तरह से जो भी अपडेट करेगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला देगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर रैक रॉयल में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग को इस वाले बंडल आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना। मेरे को तो बहुत खास लगा, ओपी वाला बंडल है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको दो को हटा देते हैं। दो को हटाने के बाद हम लोग को एक 9 डायमंड का स्पिन मिल का मतलब 52% ऑफ मिला है तो हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं हम लोग को कितने डायमंड पे यहाँ पर मिलता है। तो पहले तो इस मिल गया, तो हम लोग चलते और एक स्पिन करते। धीरे धीरे आपका डायमंड जो इंक्रीज होता रहेगा तो लास्ट में कितने जाके यहाँ पर रुकेगा वो पता नहीं, मेरे को तो लास्ट में मिलेगा मैं जितना जानता हूँ। तो इसको भी हटा देता हूँ। तो अभी हो गया 69 डायमंड के ऊपर इस तरह से कुछ हो गया, तो हम लोग इसको भी कर लेते। करने के बाद यहाँ पर मतलब इस वाला बंडल निकालने में ज़्यादा डायमंड लगेगा मैं जितना जानता हूँ। अभी जो हमारा 99 डायमंड से स्पिन करेंगे तो और भी तीन रहेगा, तीन में आप लोगों को एक मिलेगा 190 डायमंड का, और दो निकालने के लिए आपको फिर से आपको बहुत सारे डायमंड लगेगा। गाइस समझ लो, यहाँ पर हम लोग चलते हैं इसको और हो गया हमारा ये, अभी लगेगा हमारा 149 डायमंड, उसके बाद हमारे लगेगा 190 डायमंड। तो अभी हम लोग को 300 डायमंड चाहिए और ये दोनों को मतलब दोनों उसके बाद हम लोग को करना होगा 500 डायमंड टॉप अप। तो इस तरह से आप लोग जो भी भाई लोग इसको मतलब लेना चाहते हो तो ध्यान से डायमंड उड़ाना, डायमंड आप लोग को बर्बाद भी हो सकते हो। क्यों ना यहाँ पर डायमंड मैं बता रहा हूँ बंडल ओपी होगा, इसके बाद वाला जो बंडल आएगा वो भी ओपी है। इस तरह से कोस्ट लाता रहेगा ग्रीन, आप लोगों को लालच देता रहेगा, इसलिए आप लोग पैसा मत बर्बाद करो इसमें। मैं जितना जानता हूँ आप लोग सेविंग करो, उसमें आप लोग काम आएगा, आप लोग कुछ कर सकते हो उसके थ्रू, और इसको इसमें उड़ा के आप लोग कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। जो लोग यूट्यूब वगैरह चलाते हैं वो लोग के लिए हो जाएगा मैनेज, वो लोग क्यों नहीं यूट्यूब से भी पैसा आता है तो उड़ाता है तो कोई बात नहीं। तो आप लोग जब भी करना ध्यान से करना, कोई फालतू से ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं। तो बस मेरा मतलब है इसको बंडल को निकालना नहीं है, आपको बताना किस लिए इस बंडल को आप लोग निकाल सकते हो। मैं चाहे तो बाद में आप लोग को निकाल के यहाँ पर स्टोरी पोस्ट दे दूंगा जिसके थ्रू आप लोग देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग को निकाल के नहीं दिखाऊँगा, मैं शायद नहीं निकालूँगा। क्यों ना मैं भी इसमें पैसा नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारी पैसा उड़ा लिया इसलिए आगे भी मैं थोड़ा नहीं करना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। इस तरह टाइप कोई भी अपडेट वगैरह इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके पास दबा लगाना, उसको दबा कमेंट शेयर कर देना, क्यों ना भाई इस तरह जो अपडेट करेगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और एक बात बता देता हूँ, जो जो भाई लोग इस वीडियो को फुल देखे हो लास्ट में मैं बता देता हूँ, तो जो फाइव बंदे को 50 डायमंड के लिए 50 डायमंड करके मैं गिफ्ट करूंगा। जो भी विनर होगा इस वीडियो में मैं रैंडम स्कोर स्पीकर पे लेके आप लोगों को डायरेक्टली गिफ्ट करूंगा, और दूसरी वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा कौन कौन विनर हुआ है। तो आप लोग गिवअवे में जरूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करो और जीत लो। ओके गाइस, 10 मिनट नहीं, ओके okay।